नॉर्मल शहद कोई भी आप ले लीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें शहद ऐड कर दिया, ये आपका नॉर्मल टोमेटो होता है, इसको हमने पील करके ऐसा कर लिया है, उसके छिलके मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। छिलका पतला होना बहुत जरूरी है, देखिए ये इनके प्रॉब्लम है रियल। कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, तिल का तेल 120 ml, नारियल का तेल 120 ml। साहिल नबताती रोगन 120 ml, इसमें डालेंगे बेरी के पत्ते 1 चम्मच के बराबर, और ये है सुरमा, साबुत सुरमा है, ये भी तकरीबन 1 चाय वाली चम्मच के बराबर, ऐसे डाल के इसे 1 घंटा धूप में रख लें। चावल के आटे से ऐसे बहुत सारे मास्क बनते हैं दुनिया में, जो आपके चेहरे को पीछे की जानब बिल्कुल खींच देगा। किसी दावत में जाना है, किसी शादी में जाना है, इंस्टेंट चाहिए तो आप अंडे की सफेदी लीजिए, 4 से 7 साल आप पीछे चले जाते हैं। मैंने ये आलू का पानी निकाला है और इसके इसको अगर आप अपने चेहरे पे लगा लेंगे, ऑटोमेटिकली ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, आपकी स्किन जो है वो लाइट होने लगेगी। इनके बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हैं, ये भी बहुत फाइन लाइंस हैं, ये भी बहुत, और आप देखिएगा कि क्या होता है, मतलब आप चाहती हैं कि आपका चीना लगने लगे ना। 2 चम्मच चावल का आटा, थोड़ा सा शहद मिला रहा हूँ इसके अंदर, याद रखें जब भी आप फाउंडेशन की सिलेक्शन करते हैं तो अपने स्किन के हिसाब से लगाएं। अब उसके बाद सॉफ्टली या फिंगर टिप के साथ आप ब्लेंड करना शुरू करने लगे। आपसे रिश्ता है प्यार का।